कोविड महामारी को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा सभी कार्ड धारकों को गुरुवार से निःशुल्क राशन का वितरण शुरू किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यह वितरण पोर्टेबिलिटी के तहत 31 मई तक दिया जाएगा। इसके तहत प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन, जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया गया। राशन लेने के लिए गुरुवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही और सभी उपभोक्ता मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना अपना राशन लिए, जिसमें प्रति यूनिट 5 किलो राशन निःशुल्क दिया गया। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने जून, जुलाई और अगस्त में निःशुल्क अनाज देने का फैसला लिया है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत मई व जून में निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। अंत्योदय अन्न योजना के मुफ्त राशन में 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया गया। निःशुल्क राशन मिलने पर ग्राहकों ने योगी सरकार के प्रति आभार जताया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्डधारक दिनेश, कोटेदार सदानंद जायसवाल और एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने कहा। क्या नाम है? अर्पिता शर्मा। अर्पिता शर्मा, ठीक है। सुमित नाम है। सुमित, नीरा देवी रविंदर, दिनेश चक प्रजापति है, भोरीपुर के रहने वाले हैं सर। नहीं सर, गेहूँ भी लिए, गेहूँ जो फ्री दे रही सरकार की व्यवस्था बहुत बढ़िया है सर, और जो भी पब्लिक खुश भी है। और इस समय बरसात में बांट रहे हैं, इतनी बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी लोग पब्लिक जुटी हुई है और व्यवस्था सरकार की बहुत बढ़िया है और सब लोग खुश हैं। कितना मिल रहा है गेहूँ सर? एक यूनिट पर 5 किलो मिलता है सर, 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ मिलती है। सदानंद जायसवाल, उसमें गेहूँ है और चावल है, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल। कब तक मिलेगा? कितने दिन से? 31 तारीख तक। तो पैसा भी लिया जा रहा है इसमें? नहीं, पैसा कोई पैसा नहीं। कब तक मिलेगा? और 31 तारीख है, ये 2 महीना मिलेगा, ये मई मिल रहा है, फिर जून तक मिलेगा, फिर उसके बाद अभी प्रोविंशियल का आया है कि जून, जुलाई, अगस्त तक वो भी फ्री देंगे, लेकिन अभी कोई रिटर्न हम लोग। हाँ नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में और गोरखपुर में भी जो कार्ड होल्डर्स हैं उनको निशुल्क राशन वितरण के निर्देश दिए गए हैं। राशन वितरण प्रारंभ हो गया है। मेरा सभी से अनुरोध है कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए राशन की दुकानों पर जाएँ और ये जो निःशुल्क राशन वितरित हो रहा है उसका लाभ उठाएँ।